एक अक्टूबर की जगह अब 5 अक्टूबर को होंगे, लेकिन चुनाव के नतीजे पहले की तरह ही 8 अक्टूबर को आएंगे। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के भी नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित करने का ऐलान किया है। पहले दोनों राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को आने वाले थे। चुनाव आयोग के मुताबिक विश्नोई समाज की मांग पर चुनाव की तारीख जो है वो बदली गई है। विश्नोई समाज की तरफ से कहा गया था कि देखिए क्योंकि त्योहार का दिन है और इसी वजह से वोटिंग जो है वो कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ेगा। हालांकि बीजेपी के नेता जो है वो भी लगातार ये बात कह रहे थे क्योंकि त्योहारों का सीजन है और इस वजह से छुट्टी के समय में लोग जो है वो बाहर जाएंगे और ऐसे में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व पर इसका असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव का सीएम नायब सिंह सैनी ने स्वागत किया, तो वही पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। जिस प्रकार से उस चिट्ठी के ऊपर संज्ञान लेते हुए निर्णय दिया है कि अब 5 तारीख को, 1 तारीख की बजाय 5 तारीख को अब वोटिंग हो रही है और 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, मैं आदरणीय चुनाव आयोग के इस फैसले का दिल से धन्यवाद करता हूं। तारीख बढ़ा दी, कोई बात नहीं, क्या बात है, वो तो उसका आपको लगता है कोई साजिश है सर? चुनाव आयोग का अधिकार है, डेट बढ़ा दी, कोई बात नहीं, आपको लगता है क्या कोई साजिश है इसके पीछे या हार मान चुकी है बीजेपी मानसिक तौर पे? वो तो हरियाणा में तो पहले हार मान चुके हैं। तो वही भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का दावा किया कि चुनाव की तारीख बदलने से ज्यादा लोग वोट कर पाएंगे। तो वही जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जनता ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। क्या बात है, इसमें तो अच्छी बात है कि लोगों को, ज्यादा लोगों को वोट डालने का अवसर मिल रहा है। कांग्रेस को तो बिना मतलब सुबह उठ के ऐसी घुट्टी पिला रखी है इनको कि सारा दिन बिना मतलब की बात करें। और ये चीज़ साफ दिखाती है कि बीजेपी अपनी हार से बचने के इस तरह के हथकंडे अपना रही है। और तारीख बदलने से क्या होगा, जनता ने मन बना लिया है और इस बार जो मन है वो बीजेपी को प्रदेश से बाहर करने का। तो ये बीजेपी के साथ साथ अभय चौटाला की पार्टी INLD ने भी चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया, तो कांग्रेस नेता इस मुद्दे पर अब बीजेपी पर हमलावर है। बहुत से लोग ऐसे थे जो इस लॉक वीकेंड के अंदर बाहर चले जाते हैं, उससे 10-12-15% तक मतदाता वोट से वंचित हो जाता है। अब 5 दिन की छुट्टियां बिता करके बिल्कुल फ्रेश होकर के मतदाता वापस आएगा और भाजपा और कांग्रेस दोनों की तसल्ली करा देगा। भाजपा कोशिश कर रही थी, वो घबराई हुई है, डेट चेंज मांग रहे थे, हालांकि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आगे किया है, अच्छी बात है, हमें भी और समय, लोगों को भी और समय मिल जाएगा, लेकिन भाजपा की घबराहट की निशानी थी ये जो इन्होंने चिट्ठी लिखी है और डेट चेंज हुई।